कोरोना वायरस की रफ्तार पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो आज रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की थी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना वायरस का कहर जारी। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले 24 घंटे में कुल 16,699 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 112 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 7,84,137 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 11,652 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54,309 हो गई है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या क्या रहेगा बंद? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। वीकेंड कर्फ्यू में क्या क्या खुला रहेगा? अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। इसके साथ ही जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। किसी को अस्पताल जाना है, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाना है, उन लोगों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए पास लेना होगा। इसके अलावा सिनेमा हॉल 30% क्षमता पर चल सकते हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।